और आई होप आप सभी उतने खुश होंगे जितना मैं। कितना अच्छा मौसम, गीला गीला मौसम, हवा एकदम ठंडी ठंडी, और ऐसे में काम करने में मज़ा भी आता है। जब गर्मी होती है, इरिटेशन होती है, चिपचिपाहट होती है, तो ओहो लगता है कि काम भी कर रहे हो और पसीना और गर्मी। तो मौसम बहुत अच्छा है, ये देखिए बाहर का मौसम गीला गीला मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा, अच्छा ऐसा लग रहा है एकदम जैसे पहाड़ है आसपास, पहाड़ों को छू के हवा आ रही है। और यहाँ की डस्टिंग सारी हो गई है और अभी डेली रूटीन के आगे ये काम अभी करेंगे, पर बस मन तो ऐसे कर रहा है कि आप ये काम वाम छोड़ के ना बाहर, हाँ सही में मन तो। और यहाँ पर हमारी बन रही है मैगी। जब कुछ समझ नहीं आता तो आप मैगी बना सकते हो, तो हम भी मैगी बना रहे हैं। मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, मैंने इसमें बारीक बारीक प्याज काटे हैं, सब्जियाँ थी नहीं, और सोया सॉस डाल दी है, थोड़ी चिली सॉस भी डाल दी है क्योंकि मुझे तीखा बहुत 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 पसंद है, और मुझे तीखी मिर्ची की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, मिर्ची लगती है पर मुझे तीखा बहुत पसंद है। दोस्तों पता है आपको कई बार आपको काम करके अच्छा लगता है, ये मैंने कूड़े ही घर रखे आ गया। हाँ हाँ दे 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 दो। इस किचन में आ गए हम, छोले निकाल दे, तो रात को बनाएंगे हम छोले, छोले के साथ बनाएंगे। ये कि यहाँ पर पहले ना हमारे यहाँ पर क्या था, सिलेंडर था, सिलेंडर था, तो हमारी पीएनजी की लाइन लग गई है तो सिलेंडर हटा दिया, तो आटे और चावल के जो कनस्तर है वो यहाँ पर आ गए। और इधर क्या, इधर क्या आ गया, इधर हमसे हमारे हमारे और भी स्टोरेज की जो चीजें वो आ गई, बहुत घना है ये अंदर से, बहुत ही घना है, हाँ अंदर से काफी वो है, और यहाँ पर हमारे स्पेशियस है काफी। हाँ यहाँ पे मतलब जो मॉडर्न किचन भी होते ना, हाँ वो भी अच्छे रहते हैं, पर ये चीजें भी नहीं नहीं, पर हम मॉडर्न किचन में वो बात बोलते हैं कि वो काफी स्पेस घेर लेते हैं, घेर लेते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं आ पाती, जैसे हमारे बड़े बड़े आटे चावल के कनस्तर है ना वो नहीं आते, ये नहीं आ पाते। अब देखो इतना अच्छा लगा यहाँ पर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे अंदर काफी अंदर स्पेसियस है, तो आप काफी कुकर वूकर सब कुछ होता है, फ्राई पैन एवरीथिंग, ये तवा, हाँ बर्तन बर्तन बहुत कुछ चाहिए, जैसे यहाँ पर दो कितना घना है ये, हाँ कितना अच्छा। चलो ठीक है छोले निकाल दो, तो शाम को छोले बनाने की तैयारी हो रही है, छोले की क्वांटिटी ठीक है, हाँ तो वो बनाएंगे शाम को, क्या बोल रही हूँ ठीक है, छोले दिन में क्या बनेगा, बनाऊंगी पुलाव, सब्जी बनी है करेले की, ये बनाए हमने करेले, अच्छे होंगे टेस्टी होंगे, हाँ सिंपल करेले हैं, और करेले के साथ पुलाव का कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है, पर हम समझ नहीं पा रहे, हम बना देंगे, पर हम बना देंगे, कॉम्बिनेशन भी बना देंगे। कौन सी चॉकलेट खा रही है, ये है हसी एग्जॉस्टिकदार, वही छोटा हमें भी टेस्ट करने के दे दो, ये बहुत ऐसे तो मत को 60 रुपए का इतना था हैं, अब तुम खा सकते हो, ये मैं खाई, देखो पढ़ाई चल रही है और पढ़ते पढ़ते नींद भी आ रही है, पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी, वाह क्या पढ़ाई चल रही है। ये और हम बना रहे हैं पुलाव, हरी मिर्च बस सिंपल सा बनाऊंगी, ये सब्जी डाल दी मैंने, इसको हल्का सा सारा फ्राई कर लूँगी, अच्छे डालेंगे, जो तो मैं तो नहीं आती तो खा लेंगे।
तो गाइस देखिए व्लॉग हो गया है रेडी। अब हम करेंगे लंच। सो फ्रेंड्स, दो से ऊपर ही हो गए, तीन ही बजने वाले होंगे शायद। और ये है आज का हमारा लंच, ये है करेले की सब्जी जो नहीं खाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं खाने वाली हूँ। देख लीजिए अच्छी हो रही है अर्नी, मैं बिल्कुल नहीं खा रही। और ये है मेरा फेवरेट, ये है पुलाव, पीला पुलाव जो मुझे बहुत पसंद है। इसमें गाजर को चॉप करके डाला हुआ है बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा। एक आलू डाल रखा है जो अभी आपको फिलहाल डिसअपीयर लगेगा। आलू मिल चुका है उसके साथ, एक बेचारा किला आलू। चलो मैं सब्जी दूँ। और ये आज का हमारा लंच। चलो हो गया, और इसमें चाहिए चपाती खाएगा वो, और मेरा साफ बचा। ठीक है चलो फॉलो मी, चलो लंच करा दिया राजा। हाँ अभी टीवी देखा जा रहे हैं अंदर। तो फ्रेंड्स ये सफ़ेद छोले, इसमें मैंने रख दी है लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग और दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, और थोड़ी सी इमली, सूखी इमली डाल दी है। और इतने गर्म मसाले खाते नहीं हैं। ठीक है गाइस, हमारा लंच हो गया है। और चलते क्या कर रही है, तो मैंने बाहर निकाल के रखा है, अभी सूखा नहीं है। मौसम गर्म हो रहा है। हाँ हवा बहुत गर्म है, अभी सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही थी, अभी बाहर सडनली इतनी गर्म हवा चल रही है। वेरी गुड। हे गाइस, तो देखिए हमारा रात का खाना बन गया है। ये बन गए हैं छोले, और यहाँ बन रही है पूरी। भटूरे थे, भटूरे वहाँ से थे, भटूरे टाइप के। भटूरे नहीं बना रही मैं, भटूरे मैदा ज़्यादा था ही नहीं। अच्छा, और फ्लेवर ज़्यादा बिल्कुल वैसे बनते नहीं है। फर्स्ट में मैंने दही डाली है, मैदा भी डाला है, सूजी भी डाली है कि थोड़ा सॉफ्टनेस आएगी, क्रिस्पीनेस आएगी सूजी से। और इसमें हमने छोले में हमने क्या क्या डाले हैं सबके छोले बना के अपना अपना एक स्टाइल होता है। तो ज़्यादा गर्म मसाले हमने डाले नहीं है इसमें, क्योंकि घर में किसी को पसंद नहीं है। तो गाइस हमारी रात की थाली हो गई है तैयार, छोले हैं, पूरी है, और दिन का पुलाव है। रायता भी बनाना था पर क्या करें, बूंदी नहीं थी, और किसी का भी मन नहीं कर रहा था नीचे जाके सामान लेके आए, सबको आ रहा था आलस। और यहाँ बन रही है अभी पूरी। हाँ देख कर दे, हाँ कम बढ़िया बना दे। अनफॉर्चुनेटली पूरी नहीं है, ऐसे सारी पूरियाँ पूरी पूरी बन रही है। पूरी 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 चलो अब बनाती पूरी, मिलती हूँ आपसे बाद।